क्या थोड़ा सा ब्रीथिंग में दिक्कत हो गई इसको। और लोग हैं पेट्रोल पंप भूल जाओ, बीच में गाँव पड़ेगा वहाँ पे। हम लोग पता किया तो पता चला पेट्रोल है ही नहीं, तो उसके बाद यहाँ तक आने में मतलब 200 किलोमीटर आने में आपको कहीं पेट्रोल पंप मिलने से रहा। पीछे इसकी जो है अल्टो 800 खड़ी है, उसका फ्यूल ख़त्म हो गया और बोला गांव जाना है, एक लीटर में काम हो जाएगा, आप एक लीटर दे दो। यहाँ फ्यूल मिलना कितना दिक्कत है। हल्ले में 150 रुपये लीटर तेल, ब्लैक में हम लोग गाड़ी में फुल कराए, जेरी कैन में फुल कराए, और वापस जब हल्ले उतरेंगे तो फिर फुल कराएंगे। तो हम लोग भाई जो ज़रूरत हो ले लो, क्योंकि यहाँ पे हेल्प करना बहुत जरूरी है। यहाँ के लोग भी हम लोग की काफ़ी हेल्प करते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है हल्ले से। काफ़ी हाइट पे है हल्ले, हल्ले लद्दाख, और बहुत ही स्पेशल प्लेस है। मतलब हम लोग पूरा कश्मीर का बहुत सारा पार्ट कवर किए लेकिन हल्ले भाई बहुत ही स्पेशल है। बहुत स्पेशल मतलब यहाँ तक आने का रास्ता बिल्कुल जो डेजर्ट है ना वो बेअर्ड है, कोई ना एनिमल ना आदमी न गांव, बिल्कुल खाली सीधा रोड। थोड़ा रोड ऐसे ऐसे है, बीच में ऑफ रोडिंग भी है, लेकिन एकदम खाली है, सुनसान है, केवल पहाड़ दिखेंगे और उसके बीच आप चलते जा रहे हो। आप पहुंच जाओगे यहाँ की ठंडी, माशाल्लाह, या तो पेंगोंग की ठंडी, एक तो यहाँ की ठंडी। धूप है लेकिन विंड चल रही है। अभी मैंने देखो हाथ बाहर निकाला है, हाथ सुन्न से हो रहा है, ये वाली हालत हो गई है। तो ठंडी पूछो मत, परेशानियाँ भर भर के हैं। हम लोग का रूम देखो ये है, डिसेंट सा रूम था, बहुत मुश्किल से तो मिला। थोड़ा सा यहाँ पे रूम कॉस्टली मिलता है क्योंकि यहाँ पे सर्विस नहीं है, इनको पानी अरेंज करना होता है, गर्म पानी बहुत दिक्कत होती है। थोड़ा बहुत सोलर पैनल से वो थोड़ा बहुत पानी गर्म करते हैं, अगर धूप नहीं रही तो पानी गर्म भी नहीं मिलेगा, और अगर भाई थोड़ा सा पाइप छू दोगे ना तो हाथ सन्नाटे पड़ जाएंगे हाथ में। उसके बाद पेट्रोल, आप जब आओगे लेह से तो लेह के बाद एक पेट्रोल पंप पड़ेगा, उसके बाद तो भैया पेट्रोल पंप भूल जाओ, बीच में गांव पड़ेगा वहाँ पे। हम लोग पता किया तो पता चला पेट्रोल है ही नहीं, तो उसके बाद यहाँ तक आने में मतलब 200 किलोमीटर आने में आपको कहीं पेट्रोल पंप मिलने से रहा। और आपकी बाइक जो है जैसा टेरन है आपका रेंज 200 किलोमीटर के आसपास ही देगी, क्योंकि 300 किलोमीटर का रेंज देती है लेकिन अच्छी रोड पर देती है, तो इस रोड पर 200 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज आपकी बाइक देगी नहीं। फिर आप जाओगे फर्स्ट, यहाँ आओगे कहीं यहाँ भी पेट्रोल नहीं है, पंप नहीं है, हल्ले यही शहर है भाई, गांव बोलो या शहर बोलो जो भी बोलो ये शहर है। यहाँ पे बंदे ले से पेट्रोल लाके गैलन में आपको देते हैं 150 रुपीज़ लीटर। खैर हम लोग को ज़्यादा अमाउंट लेना था, हम लोग पूरी अपनी जिमनी फुल कराए हैं, उसके बाद जेरी कैन 20 लीटर का फुल कराया है, अपने इंटरसेप्टर को फुल कराया है, तो हम लोग को 140 रुपये लीटर पेट्रोल मिल गया। मिला जुला के यहाँ रहना टफ, यहाँ खाना तो भाई ये लोग लोकल जो खाना होता है वही देते हैं, तो खाना तो ठीक ठाक है, आसानी से पच जाने वाला भोजन है। यहाँ पेट्रोल मिलना टफ, यहाँ सर्विस कोई भी मिलना टफ, हॉस्पिटल मिलना टफ। एक बंदा उमलिंगला गया था, उमलिंगला की हाइट सोचो यार 19,300 फीट, आज हम लोग कवर करने वाले उमलिंगला 19,300 फीट, बोर्ड पर 19,024 फीट लिखा है, गूगल पर 19,300 फीट दे रहा है, लेकिन क्या हाइट है। एवरेस्ट बेस कैंप 17,500 फीट के आसपास है। आप सोचिए एवरेस्ट बेस कैंप से भी ऊपर आप जा रहे हो और रोड से जा रहे हो, बैंड बजने वाली, यहाँ चलने फिरने में सांस फूल रही है, सोचो वहाँ क्या होगा। वहाँ तो अभी से सोच की हालत ख़राब हो जा रही है, ऊपर से फुल ऑफ रोडिंग, गाड़ी का पावर 50% हो जाता है, इसीलिए बोले कि भाई बिल्कुल लाइट गाड़ी लेके जा रहा है। और ये देखो मेरे सामने हल्ले ऑब्जर्वेटरी, ऊपर हल्ले ऑब्जर्वेटरी है जो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, वो है इसका स्टार को, इसका गैलेक्सी को देखने के लिए, और नीचे रेडिएशन को कम करने का है, उसके पीछे सोलर पैनल लगा हुआ है। और ठीक इसके अपोजिट साइड में भी ये घर आ गया ना, मैंने कल आपको दिखाया था, इसके अपोजिट साइड में आपको ले हल्ले मोनेस्ट्री है। मिला जुला के आप यहाँ आओगे तो एक्सपीरियंस आपका दूसरे नेक्स्ट लेवल वाला मिलेगा। यहाँ की परेशानियों के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, खाना पीना रहना सब कुछ थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइजिंग फेज में आपको रखनी पड़ेगी, फ्यूलिंग और बजट भी थोड़ा ज़्यादा रखना पड़ेगा। ऑक्सीजन कैन लाना मत भूलना, क्योंकि भाई कितनी दिक्कत होगी आपको अंदाज़ा नहीं है। और अच्छे वार्म कूलन कपड़े, फुल कवर्ड, टोपी टापी सब लेके, अभी धूप है ना, जैसे अभी निकलेंगे हम लोग पूरा टोपी टापी लगा लेंगे ताकि विंड ना आ जाए। सनस्क्रीन वो तो एक अलग से वीडियो बनाऊंगा भाई, पूरी लद्दाख राइड में क्या क्या आपको सामान लेके जाना चाहिए, क्या क्या प्रिपरेशन करके जाना चाहिए। खैर अभी चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, 8 बज गए हैं,
प्लान था 7 बजे निकलने का, क्योंकि उमलिंगला से वापस आके हम लोग आगे चलेंगे, लेकिन लेट हो गया है। और अब इंटरसेप्टर में फ्यूल भी डालते हैं और फिर यहाँ से उमलिंगला के लिए निकलते हैं। अब क्या हुआ? अच्छा, वहाँ जा रहे हैं फ्यूल लगाने? हाँ, वही डाल भी देंगे और एक्चुअली कह रहा छाने भी नहीं डालेंगे। ओह, तो छान भी देंगे, कुप्पी भी हो जाएगा और उसका बोतल भी वापस हो जाएगा। ला के ढोना का कोई मतलब नहीं निकला आपका। चलो ऐसा मिलता है यहाँ पे मैक्सिमम रूम, बहुत ज़्यादा बजट आपका जाएगा भाई, थोड़ी फैसिलिटी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम रूम जो है वो होम स्टे जैसे होते हैं। दिस इज आवर रूम, कोजी कोजी बेड, कंबल वम्बल सही देते हैं, बाथरूम भी ठीक है, लेकिन बस ये प्रॉब्लम है कि गई गर्म पानी की दिक्कत है। तो मिला जुला के बेसिक फैसिलिटी आपको मिल जाती है, लाइट केवल शाम को 7 बजे से लेके रात में 11 बजे तक मिलती है, नेटवर्क भूल जाओ, नेटवर्क क्या होता है यार, नेटवर्क यहाँ पे नहीं मिलता तो आप घर से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। थोड़ा आगे जो मिल्की वे कैफ़े है वहाँ से वाईफाई लेके आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं। सो चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए और उसके बाद बढ़ते हैं उमलिंगला के लिए। दिस इज़ आवर डिनर एरिया, रात का डिनर तो बहुत बेहतरीन था। किधर किधर बाहर बैठना है? अंदर 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 आ जाए। जी जी सर, इसको क्या बोलते हैं ये? कौन सा सर? बुखारी। बुखारी सर। बुखारी, बुखारी। ये गर्म रखता है ना? हाँ सर। क्या है ब्रेकफास्ट में? सर ब्रेड, ऑमलेट, बटर। ओह जी सर, कुछ ब्रेड यहाँ कहाँ से आता है? निमास ले गया, यहाँ बनाते हैं ब्रेड। तो ब्रेड बनाता है जी सर? ये तो कल ले से ले यहाँ बनाते हैं। अच्छा। जेरिकेन में तो है लेकिन पूरा उतारना। वो मारुति आप ही की है? तो अभी हम ले जाएंगे? नहीं नहीं, गांव जाना है बस। कितना दूर है? थोड़ा सा है बस। एक लीटर में हो जाएगा? बाप रे बाप, निकाल दीजिए सरदार जी, जो जुगाड़ करके निकालिए। किससे निकालेंगे? यही तो नहीं। हम लोग अभी फोर्टीले पहुंचे हैं, यहाँ से उमलिंगला 37 किलोमीटर है, और ये भाई पीछे इसकी जो है अल्टो 800 खड़ी है, उसका फ्यूल ख़त्म हो गया और बोला गांव जाना है, एक लीटर में काम हो जाएगा, आप एक लीटर दे दो। यहाँ फ्यूल मिलना कितना दिक्कत है। हल्ले में 150 रुपये लीटर तेल, ब्लैक में हम लोग गाड़ी में फुल कराए, जेरी कैन में फुल कराए, और वापस जब हल्ले उतरेंगे तो फिर फुल कराएंगे। तो हम लोग भाई जो ज़रूरत हो ले लो, क्योंकि यहाँ पर हेल्प करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ के लोग भी हम लोग की काफ़ी हेल्प करते हैं और कुछ व्यवस्था बनाते हैं यार इसका निकालने का जेरी कैन से। नीचे 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 जाओ, वेस्ट हो जाएगा। इसको खोल के इसका बोतल का मुंह इसी में लगाइए ना, इसको खोलिए पूरा निकालिए। रुके 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 रुके, आप थोड़ा थोड़ा टिल्ट करिए, थोड़ा थोड़ा इधर झुकाइए, इधर इधर झुकाइए थोड़ा, अब हो जाएगा। बस बस हल्का 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 ही निकलेगा, एयर पाएगा निकलेगा। हम लोग लगभग 22-23 किलोमीटर लगातार ऐसे सांप की तरह कंटिन्यूस चढ़ते जा रहे थे, और वहाँ पे गाड़ी जानते हो कि इसमें चल रही थी फर्स्ट गियर में, और उसमें भी पावर लैग फील हो रहा था, सेकंड गियर तो बड़ी मुश्किल से लग रहा था। और लगभग 20-25 किलोमीटर ऊपर चढ़ने के बाद फिर हम लोग लगभग 20 किलोमीटर जो है वो नीचे आए, तो थोड़ा सा आराम हुआ गाड़ी सेकेंड गियर में, और रेयरली थर्ड गियर में चली जाती थी, लेकिन ब्रेकिंग का थोड़ा सा इशू हो रहा था। हम लोग गलती क्या किए कि लगेज पूरा हम लोग बांध लिए थे ऊपर। एक्चुअली आप जब भी आओ तो हल्ले पे ही अपना सामान छोड़ दो, जो बेसिक नीड की ज़रूरत है वही लेके आओ, ताकि गाड़ी थोड़ी फ्री रहे, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑक्सीजन 50-60% है ऑक्सीजन यहाँ पे, तो इंजन को भी इग्निशन के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए ना। अब इग्निशन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो पावर लैग बहुत आएगा। बताते भाई यहाँ पर जो इंजन का पावर है ना, ऑलमोस्ट 40
50% हो जाता है तो बड़ी दिक्कत होती है। और यहाँ पे जो बीआरओ का है वो अपना गाड़ी को काम कर रहे हैं, और ये भाई का हेल्प हो जाए यार, ये किसी तरह से निकल जाए तो काम बन जाएगा। जेरिकन कितना ज़रूरी है ये आप सोच सकते हो कि कई बार ये हेल्प किया है। हम लोग 3 बार जेरिकन यूज कर चुके हैं, ये 4th टाइम है। और 3 बार में तो हम लोग समझ लो कि 2 बार दूसरे की हेल्प कर, 3 बार हाँ ये 4th टाइम, 4 बार में 3 बार तो हम लोग दूसरे बंदे की हेल्प करने के लिए यूज़ किए, 1 बार अपने लिए कि। और जब भी हम लोग दूसरे बंदे की हेल्प करने के लिए यूज करते थे तो अपने लिए भी ले लेते थे। खैर भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा सांस फूलती है, आप सोचो आप किस हाइट पे हो, आप हो नहीं जा रहे हो उमलिंगला 19,000 से ऊपर की हाइट पे, एवरेस्ट बेस कैंप उसके सामने बच्चा है भाई, अन्नपूर्णा सर्किट उसके सामने बच्चा भाई, जितनी मैक्सिमम ट्रेकिंग करते हो ना सब उसके सामने बच्चा है। चलो फुटले से लगभग 35 किलोमीटर आगे चलते हैं उमलिंगला की तरफ, और थोड़ा सा कम बोलेंगे यार क्योंकि सांस बहुत ज़्यादा फूल रही है। क्या थोड़ा सा ब्रीथिंग में दिक्कत हो गई इसको? और लोग हैं I am feeling good also, yeah. No. Let him only take it. Okay. We shouldn't. बस रहने इसका सांस में लेते हैं, जब I will feel uncomfortable then only I will. Then only you do. ठंड लग रही है तो. Okay ना? हाँ. That is better. दिस इज उमलिंगला वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड 19,024 फुट। गूगल पे आपको 19,300 फीट मिलेगा, यहाँ पे जो मेंशन है 19,024 फीट है, मोर देन एनफ हाइट है। यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है, मैक्सिमम पीपल जो ज़्यादा अपनी बॉडी को फिट नहीं रखे हैं या किसी तरह का उनको सांस से संबंधित बीमारी है, यहाँ पर आके उनको सांस वाली परेशानी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और लोग जो है यहाँ पे आकर बेहोश तक हो जाते हैं, तो वो चीज़ आप ध्यान में रखें। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी आप ऐसी जगहों पे आएँ तो धीरे धीरे एल्टीट्यूड को चढ़ें ताकि आपकी बॉडी जो है उस हिसाब से एडजस्ट हो जाए। और ये रिकॉर्ड है भाई, इतना ऊंचाई पर गाड़ी चलाना, आप सोचो कि एवरेस्ट बेस कैंप पर लोग जाते हैं ना ट्रैकिंग करके जाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा लगभग 3,000 फीट के आसपास, 2,000 फीट के आसपास जो है वो उससे ज़्यादा ऊंचा है, तो कितनी हाइट पे आप गाड़ी चलाते हो। इसके पहले जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड था वो खारदुंगला के नाम पे था, लगभग 18,000 फीट की जो हाइट पे है, अभी 17,500 के आसपास वहाँ मेंशन है, और ये 19,024 फीट है। यहाँ आने का एक्सपीरियंस अल्टीमेट है।